जो इंटेलिजेंसी के लेवल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संडे का करंट अफेयर जो कि कल का है, यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मुद्दा हुआ, सबसे पहले तो वो बातचीत कर लेते हैं। कर्नाटक का इलेक्शन आने वाले हैं, तो यहां पे दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर हमले करने चालू कर दिए हैं। तो एक तो ये वाली न्यूज यहां पर है। इसके अलावा यहां पे मणिपुर में काफी टाइम पहले एक एनकाउंटर हुआ था, फेक एनकाउंटर जिसको कहा जाता है, उसको लेके रोड ब्लॉक कर दी गई, ये वाली न्यूज थी। इसके अलावा ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है कि इसरो का जो अपने खुद का जो नाविक, खुद का जीपीएस था ना, जो अपन ने इंडिया का खुद का बनाया था, वो डिले होता जा रहा है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये विशाखापट्टनम का पोर्ट है जहाँ पे फिशिंग स्टार्ट कर दी गई है। चलिए तो सबसे पहले इस न्यूज के बारे में देख लेते हैं ये क्या न्यूज थी। एक्चुअली यहाँ पे रीजन बताया गया है, रीजन किस चीज का, डिले होने का। हमने खुद का जीपीएस बनाया था, खुद का जीपीएस जिसको नाम दिया था नाविक, नाविक खुद को नाम दिया था। इसमें हमने 7 सैटेलाइट को आसमान में स्पेस में छोड़ा था, 7+2 स्टैंड बाय के ऊपर, ठीक है। अब हमने इनको लॉन्च भी कर दिया, लेकिन आखिरी के अंदर क्या हो रहा है कि जो एटॉमिक क्लॉक होती है जो कि लगाते हैं सैटेलाइट के अंदर, वो बार बार फेल होती जा रही है। इसकी वजह से हम उसको ऑपरेशन के अंदर नहीं लेके पा रहे हैं। तो 2016 के अंदर हमने लास्ट सैटेलाइट लॉन्च करी थी, देख सकते हैं आप 2 साल पहले, लेकिन अभी तक हम इसको एक्टिव नहीं कर पाए। ये हमारे सिविलियन और मिलिट्री पर्पस के लिए बनाई गई थी। और इससे होगा क्या कि हम, अगर मान लीजिए अभी आप जीपीएस ऑन करते हैं तो आपको इतना प्रिसाइज डाटा नहीं मिलता है, लेकिन जब नाविक काम करने लगेगा तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे सबके लिए। तो इसमें क्या होगा कि आप जीपीएस से डाटा एक्सट्रैक्ट करके ये और क्लियर देगा आपको, यानी कि 20 मीटर तक बढ़िया आपको रेंज में ये चीज़ें दिखा देगा, समझ सकते हैं। तो इससे काफ़ी डेवलपमेंट होने वाला है। अब ये जो एटॉमिक क्लॉक है, प्रॉब्लम ये है कि हमने बाहर से मंगवाई थी, बहुत बार 21 बार ऐसा हो चुका है, 21 हमने बाहर से मंगवाई, उसमें से 9 बार ये फेल हो चुकी है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, खुद ही डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे बेहतर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी देंगे। तो जो इसरो के चेयरमैन है KS सिवन जी, उन्होंने ये सब बात बताई है, ठीक है, कि बार बार जो फेल हो रहा है क्लॉक का, उसकी वजह से हम इसको डिले, ये थोड़ा डिले हो गया है। और अभी इंडिजीनियसली यानी कि खुद हम एटॉमिक क्लॉक को बनाएंगे। और कौन बना रहा है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है एक अहमदाबाद के अंदर, वापस से नाम रिपीट कर रहा हूँ, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है जो कि एटॉमिक क्लॉक को बना रहा है, डेवलप कर रहा है हमारे सैटेलाइट के लिए, तो ये अहमदाबाद के अंदर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो वहाँ पे इसके लेकर काम चल रहा है। चलिए तो ये आप देख सकते हैं IRNSS, तो ये हमारे रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है। और 7 सैटेलाइट हमने भेजी, 3 जियो स्टेशनरी, 4 जियो सिंक्रोनस, 1400 करोड़ की कॉस्ट आई, 3600 किलोमीटर हाइट पर हमने इसे भेजा, ठीक है। और 20 मीटर तक हमको ये प्रिसाइज वो कर सकती है, एक्यूरेट दे सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ भाई कितनी दूरी तक है, तो 1500 किलोमीटर तक ये है ना, हमारी बाउंड्री के बाहर तक हमको डाटा प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि ये देख सकते हैं ना ऊपर की तरफ ये सैटेलाइट लगी हुई है, तो ये तो इंडिया है, तो इंडिया से भी 1500 किलोमीटर का जो एरिया है ना, वहाँ तक ये हमको पूरा का पूरा GPS जो पूरा का नेविगेशन है वो हमें प्रोवाइड कर देगा। तो मिलिट्री के भी बहुत काम आएगा और सिविल पर्पस के लिए भी बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये नीड ऑफ एन आर बन चुका है हमारे देश के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेज नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे जो न्यूज़ थी वो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जो कि एक वेदर फॉरकास्टिंग सर्विस को लेकर है। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले नॉर्थ इंडिया में, राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में बहुत तेज आंधी आई थी, और जिससे फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट को तो पता था उन्होंने कि आंधी वाली है, लेकिन उन्होंने किसी भी स्टेट को इन्फॉर्म नहीं किया, जो सर्विसेज है जो हमारी रेस्पॉन्स टीम है उसको बताया नहीं, बस अपनी वेबसाइट पर उसको वो कर दिया। अब ऐसा करने के बाद में क्या हो गया कि किसी को पता नहीं चला और 100 लोगों की जान चले गई। 100 लोग बहुत बड़ा अमाउंट होता है, अगर यही 100 लोग अगर किसी दूसरे देश में डेवलपिंग कंट्रीज में होते तो वहाँ पे बहुत बड़े लार्ज स्केल के ऊपर इसके ऊपर काम किया जाता, लेकिन हमारे यहाँ पे तो बस वही है कि फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट बस अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर देता है इमरजेंसी के टाइम पे और किसी भी स्टेट को इन्फॉर्म नहीं करता। तो अब केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है कि केरला गवर्नमेंट ने किया है कि भाई हम आपके गवर्नमेंट के फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट पर भरोसा नहीं करके हम प्राइवेट क्या करेंगे, प्राइवेट के ऊपर उसको स्विच करेंगे, ठीक है, तो प्राइवेट एंटिटी की तरफ हम जाएंगे। तो ये उन्होंने कहा है, तो KSDMA जो केरला का जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो उसने बोला है कि हम IBM का के साथ में काम करेंगे इस चीज़ को मिलकर। तो ये चीज़ें जो कि यहाँ पे हुई थी और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि केरला जो है, केरला जो डिपार्टमेंट है केरला का, उन्होंने प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेज लेने के लिए IBM के साथ में करार किया है और वो गवर्नमेंट के डाटा के ऊपर वो नहीं करेंगे, रिलायबल नहीं होंगे। इसके अलावा एक न्यूज़ ये भी है, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये वाली न्यूज़ है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये लोग क्या करने वाले हैं, प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेज लेने वाले हैं ताकि प्रिडिक्शन कर सके, अर्ली वार्निंग मिल सके, अपनी रेस्पॉन्स को, इमरजेंसी रेस्पॉन्स को ग्रास रूट लेवल पे इम्प्रूव कर सके।
तो इन्होंने IBM के साथ में, वेदर कंपनी जो उनका खुद के सॉफ्टवेयर है, उनके साथ में करार किया ताकि वो इनको मदद कर सकें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फर्स्ट पेज पे एक न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट थी, वो भी देख लेते हैं। ये वाली न्यूज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सेंटर फंड करेगा इनलैंड वाटरवेज को। अब ये जब इनलैंड वाटरवेज का नाम आता है तो काफ़ी बच्चों को तो ये चीज़ पता नहीं होती कि जैसे कि हमारे हाईवे होते हैं ना, वैसे ही वाटरवेज भी होते हैं। अगर आप एयरप्लेन के थ्रू कोई भी चीज़ को भेजते हैं, सामान को, तो 1.5 रुपया लगता है पर किलोमीटर। अगर आप रेलवेज के थ्रू किसी भी सामान को भेजते हैं कहीं पर, तो 1 रुपया पर किलोमीटर लगता है। अगर आप वाटरवेज के थ्रू अगर कोई भी सामान को भेजते हैं तो 0.5 यानी कि 50 पैसे लगते हैं सिर्फ एक, मतलब 1 किलोमीटर के। तो सबसे सस्ता अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन करने का जो जरिया है ना, वो वाटरवेज है। हमने तो फिर भी अब काम स्टार्ट किया है, हालांकि जो डेवलपिंग देश है US है, वो तो अपना मेजरली काम ही वाटरवेज के ऊपर करते हैं। मतलब काफ़ी ट्रैफिक उनका 15-20% ट्रैफिक है वो वाटरवेज के थ्रू होता है, जो कि बहुत चीपेस्ट सोर्स होता है। तो यहाँ पे नितिन गडकरी यूनियन मिनिस्टर जो है, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है हैदराबाद के अंदर, किस चीज़ का, नासिक टू बालाचंद्रलम। ये एक वाटरवे प्रोजेक्ट है जो कि गोदावरी के ऊपर है, 1100 किलोमीटर का, नासिक से कहाँ पे, बालाचंद्रलम के ऊपर। और ये बोला है उन्होंने कि भाई 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और उन्होंने इन्वाइट किया तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तीनों को कि गोदावरी के ऊपर काम किया जाए, आप स्पेशल 10% का स्टेक रखो, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल चलाओ उसके ऊपर, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो एक्सपोर्ट करने की जो कॉस्टिंग है, वो कम हो जाए और उससे सभी को बहुत बेनिफिट हो। अगर देखिए कोई भी बिजनेसमैन है, अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लग रहा है तो वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम लगा सकता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि भारत में पहले कभी इसके ऊपर हुआ नहीं है, लेकिन बहुत कम हुआ है। हमने एक नेटवर्क बना रखा है रिवर्स के ऊपर, कैनाल के ऊपर, बैकवाटर के ऊपर, क्रिक्स के ऊपर, 14,000 किलोमीटर का हमने लेंथ बना रखी है, मतलब 5,000 किलोमीटर के अंदर से, जिसमें से 4,000 किलोमीटर हमने कैनाल के थ्रू बना रखा है ट्रांसपोर्टेशन। हालांकि भारत में इसको अंडर यूटिलाइज कर रखा है, जबकि अगर हम कंपेयर करें USA, चाइना से, यूरोपियन यूनियन से, तो हम हमारा जो पूरा ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, उसका सिर्फ 0.1% है टोटल ट्रैफिक का जो कि वाटरवेज के थ्रू करते हैं। समझ सकते हैं कितना कम यूज़ कर रहे हैं हम, अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं हमारे वाटरवे को। 0.1% ट्रैफिक है जो कि सिर्फ वाटरवे के थ्रू है। अगर यही US की बात करें तो वहाँ पे 21% जो है ना, वो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन वाटरवे के थ्रू हो रहा है। भारत के अंदर गोवा, वेस्ट बंगाल, आसाम, केरला, इन थोड़े से एरियो के अंदर ही ये काम है जो कि कन्फाइन है। बाकी सब मैं आपको बता चुका हूँ। चाइना भी 10-12% काम कर रहा है। हालांकि कुछ टाइम पहले मोदी गवर्नमेंट ने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, नेशनल वाटरवे एक्ट बनाया था 2016, जिसके तहत 106 एडिशनल नेशनल वाटरवे बनाने को बात करी गई। गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर के ऊपर, ब्रह्मपुत्र, बराक, गोवा के बैकवाटर्स, केरला के, मुंबई के, यहाँ पे एक पूरा का पूरा नेटवर्क बनाने को लेकर काम स्टार्ट किया गया है। और बोला गया कि 44 मिलियन टन जो कार्गो है वो हम क्या करेंगे, हर साल वाटरवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे, जिससे काफ़ी कॉस्टिंग बचेगी। तो ये पूरा मुद्दा है जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर। यहाँ पे बात करें पेज नंबर 9 पे, तो पाकिस्तान से की प्रॉब्लम ये है कि वो खुद तो डेवलपमेंट चाहता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे दूसरे देशों के डेवलपमेंट में उसको पता नहीं पैर लगाने में ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा मज़ा आते हैं, खुद का तो संभलता नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने एक रैट नाम का एक स्पाई, एक मालवेयर है, एक वायरस है जो कि उन्होंने कंप्यूटर्स के ऊपर हैकर्स ने क्या किया, उसको छोड़ा था। तो एक तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देख लेते हैं, और एक ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि ट्रांस फैट को लेके। चलिए दोनों के बारे में एक बार बात कर लेते हैं अच्छी तरीके से, ताकि आपको पूरा मुद्दा समझ में आ जाए। देखिए अभी WHO ने एक स्टडी को रिलीज़ किया है, एक सर्वे को और एक स्टडी करके उसको रिलीज़ किया है, और बोला है कि हमारी बॉडी में जितना भी हम कैलोरी लें, 2500 कैलोरी लें, 3000 कैलोरी लें, जितनी भी लें, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 1% होना चाहिए ट्रांस फैट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1% होना चाहिए। देखिए तीन तरीके के फैट होते हैं, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, ताकि आपको उसके बाद में मैं इसके टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूँगा। हमारी बॉडी में तीन तरीके के मेजर फैट होते हैं, एक तो होता है अनसैचुरेटेड फैट, एक होता है सैचुरेटेड फैट, और एक होता है ट्रांस फैट। अनसैचुरेटेड फैट होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया होता है, इसको बेनिफिशियल फैट कहते हैं। इससे हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल और साथ में जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम है, हार्ट की रिदम है, और ऐसे कई सारे बेनिफिट है जो कि अनसैचुरेटेड फैट से हमको मिलते हैं। अगर आप वेजिटेबल ऑयल हो गए, नट्स हो गए, काजू बादाम हो गए, सीड्स हो गए, इन सबसे अपने को बॉडी में अनसैचुरेटेड फैट मिलता है, जो कि बिल्कुल ज़्यादा भी हमारे नुकसान नहीं करता है। अब ये सैचुरेटेड फैट जो है ये हमारे बॉडी में नुकसान करता है, जो कि मेजरली जो है
थोड़ा बहुत तो नट से भी मिलता है और जो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है उससे ज़्यादा हमारे बॉडी में जाता है, ठीक है, तो वहाँ से भी काफ़ी पहुँचता है, एनिमल फूड के अंदर से काफ़ी होता है ये मेजरली, तो ये बॉडी में कम ही होना चाहिए। वैसे ही ट्रांस फूड की बात करें तो ट्रांस फैटी एसिड भी होते हैं जिनको ट्रांस फैट बोलते हैं, ये भी लिक्विड वेजिटेबल ऑयल होता है, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में हाइड्रोजनरेशन होता है, उसकी वजह से बनता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आपको ध्यान रखना है, इसमें से ये तो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, ये देखिए ये दोनों तो नुकसानदायक है और ये फ़ायदेमंद है। तो देखिए यहाँ पे फास्ट फूड से भी ट्रांस फैट आएगा, केक से, चॉकलेट से, फ्राइड फूड से, वेजिटेबल और एनिमल फैट से। अगर सैचुरेटेड की बात करें तो कोकोनट पाम ऑयल, इसके अलावा मीट हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, फुल क्रीम डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, और अनसैचुरेटेड जो कि हमारे बॉडी के लिए बढ़िया है वो देखिए सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल हो गया, नट्स हो गया, इसके अलावा पीनट ऑयल, ये सारे हमारे लिए बढ़िया हैं, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि उन्होंने ये बोला है कि आपकी बॉडी में सैचुरेटेड फैट जो है वो तो 10% ही होना चाहिए और ट्रांस फैट मतलब सैचुरेटेड जो फैट की क्वांटिटी है वो 10% ही होनी चाहिए टोटल इंटेक में, और ये 1% ही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल टॉपिक था तो हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी बात क्यों बोली गई है, स्टडी क्यों करी गई है, क्योंकि दुनिया के अंदर 70% जो डिजीज है ना वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल, और ये किसकी वजह से होते हैं इसके अंदर, मतलब किसकी वजह से होते हैं ये सब, इसकी वजह से होते हैं जो ये ट्रांस फैट है, अनसैचुरेटेड फैट है, इसकी वजह से होते हैं ये। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होना हमारी बॉडी में, और नियरली इनमें से जो 50% मौतें होती हैं वो भी सब इसी की वजह से होती है, इसी फैट की वजह से। तो इस वजह से ये स्टडी करी गई और ये सब बताया गया, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैट के सोर्सेज देखिए, यहाँ पे बटर हो गया, मिल्क, मीट, एग यॉक हो गया, कोकोनट पाम ऑयल, ये सारे के सारे सोर्सेज है। ट्रांस फैट की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिए, तो ये पूरा का पूरा ज्योग्राफी का जो मुद्दा है ये आपको समझ में आ गया और आप फ्यूचर में उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा एक मालवेयर है जो कि पाकिस्तानी हैकर्स ने डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो इन्होंने पहले इसका नाम था, एक्चुअली में इसका नाम है ग्रेविटी रैट। अब ये जो ग्रेविटी रैट, जब इन्होंने पहले इसको रिलीज़ किया था तब तो ये एंटी मालवेयर लगा के हमने इसको रोक दिया था, लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया है कि ग्रेविटी रैट के अंदर एंटी मालवेयर कैपेबिलिटी के साथ में इसको वापस से लॉन्च किया है। तो महाराष्ट्र का जो साइबर क्राइम ऑफिशियल क्राइम डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको पता किया है। तो ये जो इंडिया की जो कंप्यूटर रेस्पॉन्स टीम होती है, एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जो कि देखती है कि अगर कोई भी अगर ऐसा नहीं हो कि हमारे सिस्टम के ऊपर हैक कर रहा हो, तो पहली बार उन्होंने इसको डिटेक्ट किया है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम में 2017 में किया था कई सारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद में इसके ऊपर काम भी किया गया और ये एक्चुअली करता क्या कि डाटा को चुरा लेता है और आपके कमांड और जो कंट्रोल सेंटर हैं वो बाकी देशों को भेज देता है, इस तरीके से ये काम करता है, एक तरीके का ट्रोजन की तरह ये ट्रोजन काम करता है ये, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के साइबर जो क्राइम डिपार्टमेंट है उन्होंने इसके बारे में पता किया है। ग्रेविटी रेट अगर आपसे पूछा जाए किसका है, कौन से देश का है, तो ये पाकिस्तानी हैकर्स के द्वारा डिज़ाइन किया गया है ऐसा माना जाता है मेजरली, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, हालांकि इनके खुद की से तो उनको संभलते नहीं है, बाकी पता नहीं है दूसरों के हैक करने में इनको क्या मजा आ रहा है। चलिए तो देखते हैं पेज नंबर 14 पे चलते हैं। पेज नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पे कश्मीर वैली को लेकर एक बैड न्यूज़ है वो देख लेते हैं। एक्चुअली देखिए जो कश्मीर वैली की जो इकनॉमी है वो डिपेंड करती है फ्रूट के ऊपर, यहाँ पे फ्रूट का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है कि एक ब्राउन पेच है अल्फाइड एफिड करके एक थोड़े से ये होते हैं मतलब इंसेक्ट्स होते हैं जो कि आपके फ्रूट के प्रोडक्शन को ख़राब करते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर वैली के अंदर जिसको फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो ब्राउन पीच यहाँ पे मिले हैं जो कि टेम्परेट फ्रूट के जो ट्रीज़ होते हैं उनको ख़राब करते हैं, और ये पहली बार हुआ है कि यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो इससे क्या होगा कि लोकल इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं सीधे के सीधे जो उसका प्लांट के टिश्यूज़ है ना जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को उसके ऊपर अटैक करते हैं, और ये सैप जो होता है प्लांट का सैप वाला जो पार्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो कि कश्मीर के लोगों को देखने को मिल रही है रिसेंटली। तो इसका नाम क्या है, एफिड बोलते हैं इसको एक्चुअली के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए छोटे छोटे से ऐसे जानवर होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं एक्चुअली में जो कि ख़राब करते हैं किसको, फ्रूट्स को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे किताब के बारे में और थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया है, इसके बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था 11 गॉड एंड ए बिलियन इंडियंस, ये किताब थी जो कि रिलीज करी गई थी 11 गॉड एंड ए बिलियन इंडियंस, ओके। तो ये किताब लिखी गई और मजूमदार जी के द्वारा लिखी गई थी, मजूमदार जी वही पर्सन है जिन्होंने सचिन के साथ में मिलकर को ऑथर की थी प्लेइंग इट माई वे, सचिन की ऑटोबायोग्राफी आई थी ना प्लेइंग इट माई वे, तो उसको को ऑथर इन्होंने करी थी मजूमदार जी ने। तो इन्हीं की ये किताब है जो इन्होंने वापस से लिखी है,
ठीक है, तो पेपर में कई बार इनके बारे में आने वाले दिनों के अंदर पेपर में आएगा, इस किताब के बारे में पूछा जाएगा, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 18 पे। यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं, एक्चुअली कॉमनवेल्थ के अंदर जिन्होंने मेडल जीते हैं उनको फैसिलिटेट किया है IOA के प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा ने, और बैडमिंटन के जो प्लेयर्स हैं उनको हिमंता बिस्वा सरना ने। तो मेरा मोटिव यहाँ पे है कि मैं आपको ये दोनों नाम के से रूबरू करवाऊँ, एक तो IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है राइट नाउ, वो है नरेंद्र बत्रा, और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, हिमंता बिस्वा सरना। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, काफ़ी हाईलाइटेड नाम है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये तो था आपका कल का न्यूज़पेपर। अब चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के ऊपर। कल तो हमने संडे का जो इंपॉर्टेंट था वो कवर कर लिया है, उसके बाद आपको नहीं मिलेंगे देखने को। चलिए आज का इंपॉर्टेंट क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट पेज है। अब एक्चुअली में सबसे हमारे लिए बैड न्यूज़ एक ये आई है कि अफगानिस्तान के अंदर 6 इंडियंस को वो कर लिया गया है, अबडक्ट कर लिया गया है वहाँ पे, और कुछ एक गनमैन थे उन्होंने उनको हिरासत वहाँ पे उनको पकड़ लिया है उनको, और अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री पूरी कोशिश कर रही है उनको बचाने की। एक तो ये न्यूज़ है, एक यहाँ पे पाकिस्तानी एक मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर, उनके ऊपर गोली चलाई गई, हालांकि बच गए जान से। इसके अलावा यहाँ पे कश्मीर वैली के अंदर अभी काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम हो रही है, 8-10 आतंकवादियों को हमारे जवानों ने मार दिया है, जिसके अंदर एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी थे कि वहाँ के यूनिवर्सिटी के। तो जो शोपियन जो एक एरिया है डिस्प्यूटेड, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, लोकल लोगों ने भी काफ़ी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली JNK को लेकर थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो JNK का जो पूरा रीजन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो जम्मू रीजन, एक कश्मीर वैली और एक लद्दाख रीजन। तो हालांकि कभी भी ऐसा होता है कुछ भी तो मीडिया में तो ऐसा आता है कि पूरा का पूरा JNK के ऊपर उंगली उठती है, लेकिन अगर आप कश्मीर जाएंगे कभी, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, अगर कुछ बुक्स पढ़ेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कश्मीर इस तरीके से बिहेव करता है। ये 1% लोग हैं जो कि इस तरीके के काम करते हैं। एक्चुअली में जम्मू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लद्दाख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीर वैली का जो सदर्न पार्ट है, जैसे कि जहाँ पे शोपियन और ये सब जो एरिया है थोड़ा सा, ठीक है, 2-4 जगह है वहाँ पे ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, बाकी जो पूरी वैली है कश्मीर वैली वो बिल्कुल सेफ है, और बिल्कुल वहाँ पे हमेशा आर्मी को सपोर्ट किया जाता है। अगर आप कभी जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा वहाँ के लोकली रेस्पॉन्स मिलेगा इंडिया को लेकर। तो बस एक थोड़ा सा कश्मीर वैली का जो एक साउथ वाला पोर्शन है उसके अंदर थोड़े से ये जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे काफ़ी ये लोग सपोर्ट करते हैं मिलिटेंट्स को और पत्थरबाजी करते हैं, तो जब न्यूज़पेपर में मीडिया में तो ये आता है JNK, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ी और स्टडी करेंगे तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको रियल चीज़ें पता चले। मैं नहीं चाहता कि अपने देश के यूथ कभी ये सोचें कि पूरा का पूरा JNK खराब है, या फिर कल को अगर कोई नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर अगर कोई नक्सलाइट या कोई अटैक हो रहा है तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट खराब है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर थोड़ा सा आप डीप में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 1% लोग होते हैं पूरी पॉपुलेशन में जो कि इस तरीके का माहौल बना के पूरा का पूरा स्टेट का नाम या फिर पूरे पूरे वहाँ के लोगों का नाम खराब करते हैं। चलिए इसके अलावा, अगर ये अफगानिस्तान वाली न्यूज़ है जहाँ पे मिसिंग हो गए हैं 6 भारतीय इंजीनियर जो कि KEC कंपनी के लिए वहाँ पे काम कर रहे थे, और वहाँ पे कुछ एक गनमैन ने उनको वहाँ से अबडक्ट कर लिया, तो इसको लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है। तो ये वाला एरिया है एक्चुअली के अंदर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में ये हुआ है। तो ये देश है आपको ग्रीन में दिख रहा है, अफगानिस्तान है, काबुल यहाँ की राजधानी है, और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे पश्तो और दारी है, क्योंकि पश्तो यहाँ पे लोग रहते हैं। इसके अलावा बात करें, प्रेसिडेंट यहाँ पे अशरफ गानी है, अब्दुल्ला यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इस देश के भी CEO बने हुए हैं, ठीक है, तो वो अब्दुल्ला है, ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा करंट कॉन्स्टिट्यूशन 2004 में बनाया, ज़्यादा पुराना इनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि आपके लिए वो थी, यहाँ पे बनी हुई थी, फर्स्ट पेज पे देख सकते हैं, ये वाले जो पिक है इसके बारे में जान लेते हैं ये किस बारे में है, और ये क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेगा आने वाले दिनों में। अभी रिसेंटली वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, एक वॉल्केनो का लावा निकला है, कहाँ पे, हवाई के अंदर। नाम क्या है वॉल्केनो का, किलुआ वॉल्केनो है। अब पेपर में पूछ सकते हैं बताइए कहाँ पर है ये, तो आपको ध्यान रखना है ये हवाई के अंदर है। आपको ये बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि हवाई कहाँ पर है, तो वापस से एक बार देख लेते हैं जिन्होंने, जो बच्चे नए आए हैं, हवाई कहाँ पर है, तो पैसिफिक ओशन के अंदर, यहाँ पर देखिए US के जस्ट पास में छोटे छोटे से आइलैंड है, इसको हवाई आइलैंड कहते हैं, जिनकी राजधानी क्या है, होनोलुलू उनकी राजधानी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए पेज नंबर 4 पे चलते हैं, यहाँ के बात करें क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, पेड़ लगाने को लेके एक अभियान चलाया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा,
और महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती है 1 करोड़ 13 करोड़ पेड़ लगाना, 13 करोड़ सैपलिंग लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि आजकल कितने ज़्यादा क्लाइमेटिक फैक्टर्स की प्रॉब्लम हो रही है, सर्दियों के टाइम पे गर्मी, गर्मियों के टाइम पे सर्दी आ रही है, और पूरा का पूरा क्लाइमेटिक फैक्टर्स है उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर रेनफॉल नहीं हो पा रही है। तो ये सब अगर हम पेड़ लगाते हैं तो उससे काफ़ी बड़ा इसका सोल्यूशन कुछ नहीं हो सकता। तो एक्चुअली में क्या हुआ है कि जितने भी कॉरपोरेट हैं, बिल्डर्स हैं, रीजनल गुरु हैं, वहाँ पे एक्टर्स हैं, सभी से पार्टिसिपेट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है, और वो चाहते हैं कि 1 करोड़ लोग वॉलंटियर बने इस ग्रीन आर्मी के। उन्होंने क्या बोला है कि हम ग्रीन आर्मी सेटअप करेंगे। हालांकि 50 लाख तो इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और फॉरेस्ट मिनिस्टर जो वहाँ पर है सुधीर जी, उन्होंने रिक्वेस्ट करी सभी लोगों से, एनजीओ से, फिल्म इंडस्ट्री के लीडर से और सभी से, कि वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करें और यहाँ पे 13 करोड़ का जो टारगेट है उसको अचीव करवाएं जुलाई तक। ठीक है, तो अगर ऐसा पूछा जाए कि ग्रीन आर्मी कौन सेटअप कर रहा है या फिर इतने करोड़ सैपलिंग लगाने का, जो प्लांट लगाने का टारगेट किसका है, तो ये सब महाराष्ट्र, आप ये नाम याद रख सकते हैं। चलिए इसके अलावा पेज नंबर 5 पे चलते हैं। पेज नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे केरला से एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, कल भी थी और आज भी है, कि केरला प्लान कर रहा है यूनिफाइड कम्युनिकेशन सर्विस को लॉन्च करने की। यूनिफाइड सर्विस कम्युनिकेशन मतलब क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, 6 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं नियर बाय और वहाँ पे केरला के अंदर, और वो चाहते हैं कि सभी के जो सिस्टम है ना वो यूनिफाइड कम्युनिकेशन कर दिया जाए, यानी कि सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अभी वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्या सब एक दूसरे अलग अलग सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं, मेल करते हैं दोनों से, कभी एक का काम नहीं हो रहा है, कभी दूसरे का काम नहीं हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि एक ऐसा यूनिफाइड कम्युनिकेशन सर्विस बनाई जाए जिसके अंदर सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपस में इजीली कनेक्ट हो सके और सभी का डाटा, सभी का शेयरिंग करना, सब कुछ एक साथ ही हो जाए, तो इससे काफ़ी इजी हो जाएगा गवर्नमेंट वर्क। तो ये वहाँ पे बातचीत करी गई है। पेज नंबर 7 पे चलते हैं। पेज नंबर 7 से यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली वर्डिक्ट दिया है, और यहाँ पे भी एक और है छोटी सी न्यूज़, कि जिन्होंने धर्मेंद्र को लॉन्च किया था ना, ठीक है, उनकी डेथ हो गई है। तो धर्मेंद्र को लॉन्च करने वाले जो फिल्म मेकर थे अर्जुन हिंगोरानी, उनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। 1960 में उन्होंने लॉन्च किया था दिल भी तेरा हम भी तेरे, ये मूवी रिलीज करी थी, धर्मेंद्र को उन्होंने उस टाइम पे लॉन्च किया था, तो उनकी डेथ हो गई। तो आपसे पूछा जाए कि अर्जुन हिंगोरानी कौन थे, तो एक ये वेटरन फिल्म मेकर थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे एक और क्या है कि अडल्ट कपल कैन लिव टुगेदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि अडल्ट कपल जो है ना वो साथ में रह सकते हैं। एक्चुअली में हुआ ये था कि केरला की एक 20 साल की लड़की थी, उसने 21 साल के एक लड़के से शादी करी थी, जो कि अब वो 21 का हुआ नहीं था, नंद कुमार उनका नाम था, 21 का होने वाला था, और अपने यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि 18 साल लड़की की मिनिमम और 21 साल लड़के की मिनिमम होना ज़रूरी है शादी करने के लिए। तो एक्चुअली मुद्दा तो केस को इस चीज़ को रहा था कि उन्होंने कम उम्र में कर ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि अगर कोई अडल्ट कपल है तो वो साथ में रह सकता है। ठीक है, अडल्ट जो वुमेन है, अगर कोई लड़की 18 साल से ज़्यादा है और लड़का 21 साल से है, तो मैंने दोनों ही अगर 18 साल से ऊपर है, यानी कि अडल्ट है कुल मिला के शादी के लिए, तो 21 साल है, लेकिन अडल्ट की डेफिनेशन तो हमारे 18 ही है, तो अगर 18 साल से ऊपर है अगर लड़की, तो क्या कर सकते हैं कि वो साथ में रह सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, तो उस चीज़ को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो एक्चुअली ये जो बनाया गया था, ये किस चीज़ के अंदर इसको प्रोटेक्शन मिली हुई है, ये डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट है वुमेन को लेकर, 2005 के सवेरेस एक्ट को लेकर आया गया था, तो उसके अंदर इसको इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, कि लिव इन रिलेशनशिप अलाउ है, आप कर सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई भी 18 साल से ऊपर है तो। ठीक है, और शादी के लेकर, मैरिज को लेकर, तो एज ऑफ कंसेंट आपको पता ही 18 और 21 है, तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे मुद्दा था, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है यहाँ पे, उनको फेवर किया है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो लीगल है अकॉर्डिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए पेज नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। पेज नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पे नागा इशू को लेकर बातचीत हो रही है। अभी नागा इशू एक्चुअली में देखिए बहुत बड़ा इशू है, तो मैं इस वाले संडे को आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूँ नागा इशू को लेकर। ठीक है, 10 मिनट के अंदर आपको इस तरीके से नागा इशू बताने वाला हूँ कि जीवन में कभी नागालैंड को लेकर या जो नागालैंड पीस अकॉर्ड को लेकर है ना, कभी आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नागा पीस अकॉर्ड इसको कहते हैं, मतलब 18वीं सेंचुरी से ये मुद्दा छिड़ा हुआ है। पूरा का पूरा बताऊंगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, तो इसीलिए अभी तो सिर्फ इस करंट अफेयर में इतना जान लीजिए कि दिल्ली में मीटिंग हुई है 6 नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप के बीच में, और वहाँ पे नागालैंड पीस इशू को लेकर जो अपने होम मिनिस्टर है राजनाथ सिंह उनके साथ में, तो नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू राव वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये साइन हो जाए और वहाँ पे पीस बनी रहे।
ठीक है, तो ये और इसका जो पूरा कोर मुद्दा है वो मैं आपको संडे को समझाने वाला हूँ। चलिए पेज नंबर 12 पे चलते हैं। पेज नंबर 12 से जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं यहाँ पे, वो है आपके यहाँ पे छोटी सी न्यूज़ है एक लेबनान को लेकर, वो देख लेते हैं। एक्चुअली में लेबनान में पिछले 9 सालों के अंदर पहली बार वहाँ पे क्या हुए हैं, पोल हुए हैं, जनरल यानी कि इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, तो पिछले 9 सालों से वहाँ पे कोई भी इलेक्शन नहीं हो रहे थे, 10 और कभी जैसे इलेक्शन हुए तो कई सारे लेबनीज लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, वोट दिया। अब अक्सर आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेबनान आपको नाम तो सुन लिया लेकिन है कहाँ पे, तो ज़्यादातर बच्चों को इसकी लोकेशन पता नहीं होगी। तो इसराइल के जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये लेबनान है, ठीक है, साइप्रस यहाँ पर है, तो इसराइल जो गिरा हुआ है वो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट इन सबसे गिरा हुआ है। तो लेबनान की जो कैपिटल वो है बैरूट, इसकी राजधानी है बैरूट, और यहाँ की जो करेंसी है, जो मुद्रा है यहाँ की, वो है लेबनीज पाउंड, ये यहाँ की करेंसी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं स्पोर्ट्स पेज पे। स्पोर्ट्स पेज पे एक दो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, ये और ये दोनों, और ये लास्ट पेज भी है। तो सबसे पहले तो अभी यहाँ पे स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुई है, जो कि आपको बताया ना कि फॉर्मूला वन की, तो वो स्पेनिश पर्सन है मार्क मार्क्यू, उन्होंने इसको जीत लिया है। ठीक है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड जो चैंपियनशिप है ग्रैंड प्रिक्स होती रहती है फॉर्मूला वन की, और जो ईयर के अंदर पूरे साल में जो जीतता है वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी अगर आया है तो आप ध्यान रख लीजिए, अगर इनकेस सबसे वर्स्ट क्वेश्चन आया तो उस केस में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो होंडा की टीम से बिलोंग करते हैं मार्क, इन्होंने स्पेनिश लीग जीती है। चलिए तो लास्ट एक और न्यूज़ देखते हैं, रैमी टंडन ने अबू धाबी ओपन जीत लिया है। तो इंडिया के पर्सन है रैमी टंडन, जिन्होंने उमर अब्दुल को हरा के अबू धाबी ओपन टाइटल स्क्वैश के अंदर यहाँ पे जीत लिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए रैमी टंडन कौन है, तो स्क्वैश के प्लेयर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी दो दिन की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। उम्मीद है आपने पिछले 30 मिनट में काफ़ी कुछ नया सीखा होगा, काफ़ी आपने डेवलपमेंट किया होगा, और इस तरीके से आप वीडियो को लाइक एंड शेयर हमेशा करते रहें।